संत टेरेसा स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका अभिभावक का कहना है कि कोरोना बीमारी में 3 महीनों से स्कूल बंद है और हम लोगों का सभी काम बंद है। इसी को लेकर के हम लोग का मांग है शिक्षक से। हम लोगों का कहना है कि स्कूल बंद है तो हम लोग फीस नहीं दे पाएंगे। स्कूल में पढ़ाई ही नहीं हो रहा है, स्कूल बंद है, हम लोग फिर क्यों देंगे फीस। जब तक स्कूल के शिक्षक हम लोगों से बात नहीं करेंगे और नहीं मानेंगे तब तक हम लोग रोड जाम रखेंगे। वही अभिभावक कौशल किशोर झा ने बताया कि नो स्कूल नो फीस। वह दुमका की ओर से आ रहे थे, मोटरसाइकिल वाले से बगछिक भी हुई। उनका कहना था कि आप लोग हम लोग जाएंगे। उसी को लेकर स्कूल के अभिभावक ने कहा कि आप स्कूल फीस माफ करवा देंगे तो हम लोग हटा देंगे। वही दुमका की ओर से आ रहे थे एम्बुलेंस गाड़ी भी घंटा जाम में रहा। काफी समझाने बुझाने के बाद पब्लिक द्वारा तब एम्बुलेंस को जाने दिया। पूरे रोड पर बांस बांध करके प्रदर्शन कर रहे थे कि हम लोगों का जब तक मांग नहीं पूरा होगा स्कूल फीस का तब तक हम लोग जाम नहीं हटाएंगे। वही उपस्थित अभिभावक चंदन विश्वास, कौशल किशोर झा, रंजीत कुमार अभिभावक उपस्थित थे। जगदीशपुर से घनश्याम सिंह की रिपोर्ट। हम लोग 3 महीना का कम से कम कंप्लीट फीस माफी मांग रहे हैं। लेकिन जाम कब तक देखिए, लोकतंत्र है और इंडियन डेमोक्रेसी में ये फंडामेंटल राइट दिया गया है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया कि हम लोग अपनी मांग को पूरी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप लोग का मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने इस चीज को समझ रहे हैं। हम चाहते हैं इस मीडिया के थ्रू, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट हम लोग का 5 आदमी 10 आदमी जो ग्रुप है गार्जियन का, उसके साथ बैठ के बातचीत करें। ऐसा बात नहीं है, हर मसला का हल होता है सर, हर मसला का हल है। आज जीडीपी की, भारत का जीडीपी आप किस लिए मेरा 6 महीने से जॉब चला गया है और अब तक स्कूल मार्च से अब तक मेरा 2 बच्चा यहाँ पढ़े और दोनों बच्चे के अपने अपटूडेट मांगते हैं। इस कंडीशन में हम कहाँ से फी दें? हमने तो मकान का रेंट देना है, खाना। प्रेस द बेल आइकन ऑन YouTube एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।